तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोरोना का अभी देखें, कोरोना की कोई बात नहीं करता दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद कमर्शियल गाड़ियों की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो अभी ट्रक की जो है हम लोगों को बोला था लोगों ने कि भाई आप ट्रक की वीडियो क्यों नहीं बना रहे, और हम लोगों को पता नहीं है रेडवे ट्रक की आप थोड़ी सी अपडेट दिया करो। तो अभी ये किया गया, एक ट्रक खड़ा है, तकरीबन 4 से 5 ट्रक खड़े हैं। देखें इतने ज़्यादा ट्रक है नहीं अभी मार्केट में, और समझ में नहीं आया। बाकी ये कि जो ऑनर्स होंगे उनसे बात करेंगे, बातचीत करके आप लोगों को ज़्यादा से अच्छी सी जो है इन्फॉर्मेशन देंगे कि अभी गाड़ियों के क्या रेट चलेंगे, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, हम लोगों का कार पे ज़्यादा से फोकस होता है। तो लेकिन हमारे काफ़ी ज़्यादा जो एक भाई हैं वो बोल रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ट्रक की वीडियो बना दो और ट्रक के रेट वगैरह बता दो। तो अभी यहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं इसके क्या रेट वगैरह हैं और कितना सीसी इंजन होता है। किया का जो एक ट्रक है अभी, इसका मुझे टाइटल वगैरह कुछ नहीं पता, जो इनका ऑनर है उनसे हम जो अच्छे से बात कर लेंगे। तो कंडीशन आप लोगों को पता है कमर्शियल गाड़ियों की थोड़ी ऐसी होती है। बाकी ये कि मैं आपको इसका रूम वगैरह दिखा देता हूँ गाड़ी का कैसा होता है। तो रूम की कंडीशन वगैरह आप लोगों के सामने, डैशबोर्ड वगैरह आप लोगों के सामने, बाकी रेट वगैरह सारी चीज़ें जो इनके ऑनर हैं उनसे ही हम मालूम करेंगे। तो ये वाली साइड तो आप लोगों ने देख ही ली है, और बैक साइड में दिखाऊँ आप लोगों को। तो ये लोडिंग वगैरह में चलाते मेरे भाई जो भी हैं, अभी कितना सीसी है क्या है ये सारी चीज़ें जो है हम भाई से मालूम करेंगे। दूसरी साइड भी मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ। सो ये वाली साइड भी जो है आप लोगों की क्लियर है, दिख रही होगी आप लोगों को। अच्छा, इस पर थोड़ी सी वो लाइटिंग शाइटिंग होती है, कुछ इस तरीके का होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग मेंटेन भी रखते हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मली इसको कंडीशन में भी रखते हैं। तो कोशिश यही है कि भाई मैं अच्छे से दिखा दूँ, इसके रेट वगैरह आप लोगों को मालूम करके बता दूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने देख ली। सो फ्रंट लुक की बात करूँ तो भाई फ्रंट से कुछ इस तरीके का आप लोगों को इसका लुक दिख जाता है। तो अभी कितना सीसी है क्या है, चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं। अशरफ भाई की जो ये गाड़ी है, अशरफ भाई सबसे पहले तो बताइएगा ये किया कितना सीसी है और क्या हिसाब किताब है इसका। 2700 सीसी गाड़ी है, ठीक है। और मॉडल वगैरह, मॉडल 95 का ही है, ठीक है। और डिमांड भी बता दो जी, बिल्कुल डिमांड भी बता दो, डिमांड है हमारी, ठीक है। फाइल वगैरह इसकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है, चलने में कैसी है गाड़ी, ये सस्पेंशन वगैरह, इंजन वगैरह, भी गाड़ी है, रोजगार देने वाली गाड़ी है, ठीक है। अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, हमारी दुआ है जो खरीदे उसको भी फायदा हो, उसको भी फायदा हो, बिल्कुल भी फायदा, ठीक है। बाप अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा, शेयर कर दें जी, 03226786782328। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो और मजीद मालूम ले सकते हैं ट्रक के हवाले से, क्योंकि देखें कमर्शियल काम की जो बंदा करता है ट्रक वगैरह, उनको जो है वो ज़्यादा जो है वो मालूम होती है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से ट्रक हम लोगों को मिलते हैं और क्या रेट वगैरह मिलते हैं। तो नॉर्मल 2700 सीसी था ये, 95 का जो है मॉडल बताया था भाई ने मुझे, और गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी जो ऐड करते हैं। अच्छा, पेपर वगैरह क्लियर है ना इसके, टैक्स वगैरह पेड है, जी जी, ठीक है। पेपर भी क्लियर है, टैक्स भी पेड है। तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग को मिल गया स्टार ट्रक के नाम से, स्टार ट्रक के नाम से अभी ये गाड़ी है। तो जो इनके ऑनर हैं उन्हीं से पूरी जो है मालूम लेंगे। तो अभी देखेंगे इसके भी क्या रेट हैं। देखें हमने पीछे जो है एक दूसरी किया का जो है मालूम करा, बाकी अभी ये दूसरी कंपनी है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से जो है, और साइड वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो कमर्शियल में यूज़ होती हैं गाड़ियाँ, आप लोगों को पता है। तो थोड़ी मेंटेनेंस में आप लोगों को लो दिख रही होंगी, लेकिन ये कि काम वगैरह में ऐसे ही चलता है। तो लोडिंग वगैरह का काम होगा मेरे ख्याल से भाई का, उनसे मालूम भी करेंगे हम। तो इंटीरियर वगैरह भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ इसका, कुछ इस तरीके से। बस चलते हैं अभी भाई से मालूम करते हैं क्या इसके रेट वगैरह हैं और क्या हिसाब किताब है। और बैक साइड से इन्होंने ऐसा बनाया हुआ, पूरी शीट वीट लगी हुई पीछे। और इस तरीके से सुहेल भाई की जो ये गाड़ी है, सुहेल भाई सबसे पहले तो बताइएगा ये मॉडल कौन सा है। ये मॉडल है जनाब 2010 का मॉडल है और 11 की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। 2010 का मॉडल है, 2011 की रजिस्ट्रेशन है। ओवरऑल गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह के हवाले से? बेहतरीन गाड़ी है ये, और कम खर्च गाड़ी है, इसमें कोई इतना खर्च नहीं है, ठीक है। क्या है इंजन भी बहुत कम उठाती है, डीजल इसका, इंजन इसका मेरा ख्याल 2800 सीसी, ठीक है। 2800 सीसी है इंजन और डीजल है, ठीक है। यानी कि गाड़ी आप बोल रहे हैं लोडिंग वगैरह के हिसाब से काम किया, 6 टन वजन हम इस पर लेकर आते हैं, 6 टन वजन जो लेकर आते हैं। क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? डिमांड इसकी कर रहे हैं हम 7 लाख, ठीक है। 7 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, पेपर वगैरह क्लियर है इसके, सारी चीज़ क्लियर है इसकी, ठीक है। अपना नंबर भी शेयर कर दिए, हर चीज़ क्लियर है, रिटर्न फाइल है इसकी, ठीक है। नंबर है 03 23, ठीक है, 2498 600, ठीक है। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से मज़ी मालूम ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से गाड़ियाँ जो है वर्ड करते हैं। शुक्रिया भाई। दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी हुंडई शेजोर हम लोगों को मिल गया। तो एक भाई ने जो रिक्वेस्ट करी थी हुंडई शेजोर, अभी देखिए ये खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ आगे भी होंगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा कि वो गाड़ियाँ भी जो है ऐड करूँ। और इन्होंने काफ़ी अच्छा सा जो है बना के रखा हुआ है पीछे, तो ऊपर से कलरफुल काफ़ी बना हुआ है, आगे से मेंटेन करके रखा हुआ है। यानी कि एक होता है ना कमर्शियल गाड़ियों में, आपने देखा जैसे पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया कि थोड़ी टूटी फूटी सी बनी हुई थी, कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसा नहीं है। इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा सा जो है वो गाड़ी को बना के रखा हुआ है, और ये सारा पेंटिंग सेंटिंग क्रूमिंग का काम जो है गाड़ी पर हुआ हुआ है। तो अभी इसके क्या रेट वगैरह, मॉडल वगैरह, सारी चीज़ें जो इनके ऑनर हैं उन्हीं से जो है वो मालूम करेंगे। व्हील वगैरह की कंडीशन भी आप लोगों के सामने है, फ्रंट से मैंने आप लोगों को गाड़ी दिखाई, साइड से पूरी जो है वो दिखा रहा हूँ। चलते हैं दूसरी साइड पर, वो भी देख लेते हैं। सो बात करूं भाई अंदर के डाले शाले की, तो ये आप लोगों को दिख रही होगी,
ये भी अंदर से इस तरीके का बना हुआ है इन्होंने पूरा। बाकी ये वाली साइड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो इस साइड से भी जो है वो गाड़ी क्लियर है, साफ़ सुथरी इन्होंने रखी हुई है। बस अब चलते हैं, इसका एक नज़र इंटीरियर देख लेते हैं अंदर से कैसी है गाड़ी, फिर जो है भाई से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि क्या डिमांड वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो डैशबोर्ड वगैरह आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, सीट्स वगैरह इन्होंने बिल्कुल क्लियर रखी है, फटी फुटी नहीं है, रूफ़ वगैरह भी साफ़ सुथरी सी जो है इन्होंने रखी हुई है। बस अब चलते हैं भाई से मालूम करते हैं क्या इसका है। नासिर भाई, तो नासिर भाई की जो ये गाड़ी है, नासिर भाई तो सबसे पहले बताइए ये कौन सा मॉडल आपने मुझे बताया? ये 2009 मॉडल है भाई। ठीक है, 2009 का मॉडल है, तो अभी गाड़ी चलने वाले में कैसी है? अच्छी गाड़ी है भाई, बहुत माशाल्लाह, इसको जहाँ मर्जी ले जाओ। ठीक है, बस बेच रहे हैं। ठीक है, कोई काम वगैरह आपके नज़रिए में इसमें, इंजन में या कोई सस्पेंशन में कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल गाड़ी जो है वो कोई काम नहीं, क्लियर है गाड़ी। पेपर के हवाले से कैसी है? पेपर क्लियर है। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है इसका? सब सब। ठीक है, डिमांड आपने क्या बताई मुझे इसकी? 14.5 लाख। ठीक है, 14.5 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। 2009 का मॉडल आपने मुझे बताया। ठीक है, बाकी अपना नंबर शेयर कर दिएगा। 0303। ठीक है, 2076 505। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। पेपर वगैरह गाड़ी के क्लियर है, ओवरऑल गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई अच्छी सी जो इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। रूम वगैरह गाड़ी का क्लियर है, मॉडल 2009 का है। बाकी सारी चीज़ें जो है भाई ने बता दी है, बाकी आप ये कॉल करके भाई से भी मालूम कर सकते हो। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है। चीता मारो, चीता मारो, इसको मामा मारेगा। तो भाई ये थोड़ा सा चल रहा है अभी, हम लोग थोड़े से क्योंकि गाड़ियाँ कम थी और हम थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करोना का अभी देखें, करोना की कोई बात नहीं कर सकते। ये 3500 मज़दा जो है ये गाड़ी है और बड़ी लोडिंग वाली गाड़ी है, इसमें जो है वो सामान वगैरह का जो है लोडिंग वगैरह ज़्यादा चलती है। तो कोशिश ये करता हूँ कि यार अभी इसकी रेट वगैरह भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, तो पहले कंडीशन वगैरह गाड़ी की देख लेते हैं। सो बॉडी वाइज देख लेते हैं पहले गाड़ी को, साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोगों के सामने, क्योंकि देखें लोडिंग की गाड़ियाँ होती है तो इसको बिल्कुल आप ये तो नहीं बोल सकते बिल्कुल चमका के रखें, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में इन्होंने रखा है। पीछे मैंने आप लोगों को और गाड़ियाँ जो है वो दिखाई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रस्टी कंडीशन में थी और काफ़ी खस्ता कंडीशन में थी। बाकी ये कि ये वाली साइड भी आप लोगों को दिख रही होगी, ये साइड भी जो है वो गाड़ी की क्लियर है और व्हील वगैरह की कंडीशन भी जो है आप लोगों के सामने। अच्छा, ये जल्दी जल्दी मैं थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें रात हो गई है और काफ़ी कम टाइम बचा है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो है यार आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। बस चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं क्या इसकी डिमांड वगैरह कर रहा हूँ गाड़ी भाई। इमरान भाई की जो है ये गाड़ी है, इमरान भाई मज़दा 3500 जो है आपने मुझे गाड़ी बताई। अच्छा, मॉडल कौन सा है ये? 98। ठीक है, 98 का जो है मॉडल है। ओवरऑल गाड़ी चलने वाले में कैसी है? सस्पेंशन वस्पेंशन सारी चीज़ें लोडिंग वगैरह के लिए अच्छी गाड़ी है, जबरदस्त गाड़ी है। क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? डिमांड 19 है। ठीक है, 19 लाख रुपये जो है डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, 19 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। पेपर वगैरह क्लियर है इसके? सब कुछ, टैक्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, अपना नंबर भी शेयर कर देगा। 0335। ठीक है, 2076। ठीक है, 2076 129। अच्छा, 129 एंड 076129। ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसको इस पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वेट करते हैं। शुक्रिया बहुत। तो आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग को शेजोर मिल गया, 2005 का जो है मॉडल है। ओवरऑल ये भी गाड़ी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ऊपर एसी है, क्या है वॉल्स वगैरह का जो भी है वो भी मैं अभी मालूम करके आप लोग को बता दूंगा और ये गाड़ी भी हम लोग देख लेंगे। तो ये पीछे पूरा जो है इसका लगेज बना हुआ है, इसके अंदर मेरे ख्याल से ठंडी आइसक्रीम वगैरह का कुछ बना हुआ है, वो जो इनके ऑनर से हम बात करेंगे। गाड़ी ओवरऑल पहले देख लेते हैं, फिर पूछेंगे इनसे क्या हिसाब किताब है गाड़ी का, गाड़ी की क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं। बैक साइड से भी मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ। सो बैक साइड से कुछ इस तरीके से है गाड़ी। चलते हैं अंकल के पास, अंकल से मालूम करते हैं इसकी क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं गाड़ी और कितने में। अच्छा, मैं जल्दी थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ, देखें रात हो चुकी है, लाइट्स वगैरह आप लोगों को दिख रही होंगी थोड़ी जल्दी भी। तो बस ये कि यार एक कमेंट थी, हमारे भाई काफ़ी ज़्यादा जो है पूछ रहे थे कि आप ट्रक की वीडियो जो है नहीं बना रहे, तो बस इस चक्कर में जो है मैंने बोला चलो आज ये वीडियो बना ही देते हैं। तो अंदर से इंटीरियर वगैरह भी मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ और दरवाज़े वगैरह साइडें वगैरह आप लोगों ने देखी, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की देखी। बस चलते हैं अंकल के पास, अंकल से मालूम करते हैं क्या इसकी डिमांड वगैरह करना है गाड़ी। अब्दुल रहमान अंकल जिनकी ये गाड़ी है, तो अब्दुल रहमान अंकल सबसे पहले बताइए 2005 का ये मॉडल है, तो ओवरऑल चलने में कैसी है गाड़ी, कोई मसला वगैरह, कोई काम वगैरह? ठीक है, सस्पेंशन इंजन वगैरह सब कुछ ओके है इसका? ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेनर लगा हुआ है पीछे, ये मतलब क्या आइसक्रीम वगैरह का कुछ? चिलर है, चिलर है ये। ठीक है, तो ये लगा हुआ इसी के साथ ही आएगा। ठीक है, क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप गाड़ी की? 17 लाख। ठीक है, 17 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, बाकी गाड़ी मैंने ओवरऑल दिखा दी है। अच्छा, ये भी बता दिएगा ये चिलर की वजह से ज़्यादा है ना डिमांड इसकी? ठीक है, वैसे नॉर्मल क्या होती है? ठीक है, वैसे नॉर्मल ये 14 लाख 13 लाख। अच्छा, 13-14 लाख के होते हैं वैसे, और 17 लाख रुपये जो है वो चिलर, जाहिर सी बात है ये पूरा जो है आप लोग को बिजनेस करने के लिए चीज़ मिल जाती है बनी हुई। ठीक है, आप बाकी अपना नंबर वगैरह भी शेयर कर दिएगा।
इसका नंबर जी कोई सा भी दे दें, मतलब 0300 2913 13 6100। तो ये जो है अंकल का नंबर है, आप लोग किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। अंकल पेपर वगैरह क्लियर है ना इसके? सब कुछ टैक्स वगैरह पेड है, ठीक है। तो अभी जल्दी से फाइल है, फाइल अच्छा रिटर्न फाइल है। अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है दोपहर से हो गई रात। फाइनली दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो बस ये कि भाई हमारे जितने भी लोग थे कमेंट जो कर रहे थे उनके चक्कर में ये मैंने वीडियो बनाई। मेरे बोला नहीं यार, जो कमेंट आई मैं काफ़ी टाइम से बंदा अगर कर रहा है तो ये वीडियो भी जो है बना देनी चाहिए। तो बस मैं भी निकल रहा हूँ, तकरीबन 7:30 का टाइम जो है वो हो रहा है मार्केट में। और मुझे मालूम है काफ़ी कम ट्रक थे आज मौजूद, गाड़ियाँ जो थी वो ट्रक के हवाले से बहुत कम थे, ट्रक 4 से 5 ट्रक थे और गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं थी। बाकी ये कि गाड़ियों की जो हमारी नॉर्मली 1 घंटे की लंबी वीडियो आती है वो तो नॉर्मली आप लोगों ने पहले देख ही ली होगी, ये दूसरे दिन जो है वो मैं अपलोड करता हूँ। तो भाई ट्रक वाले भाई आप मुझे बता देना कोई स्पेशली, अगर आपको ट्रक चाहिए हो तो वो मैं जो है गाड़ियों के साथ ही ऐड कर दूंगा, या फिर 1-2 हफ्ते के बाद जो है वो एक वीडियो और जो है हम लोग बना लेंगे ट्रक की। बाकी बुलान वाले जो भाई थे हमारे, तो बुलान भी मैंने एक ऐड करी थी, वो भी देख सकते हैं। बाकी बुलान की अपडेट इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते जो है वो आप लोगों को मिल जाए। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी ये कि जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वो लोग फेसबुक पे जाके भी जो है वो हमारी वीडियो देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। बाकी इंस्टा पे भी हैं हम लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले 2 लिंक वही आप लोगों को मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। जाते जाते भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।